सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की वजह से ये जो चैनल है अपना गोराज वर्ल्ड, इस पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो पाए हैं। हालांकि 1000 सुनने में कई लोगों को बहुत छोटा लगेगा, यार 1000 ही तो है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे चैनल पे कभी 1000 सब्सक्राइबर भी हो पाएंगे। तो गोराज वर्ल्ड पे 1000 जो सब्सक्राइबर आपने पूरे करवाए हैं उसके लिए मैं सही में दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उन सभी लोगों को जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करा है, जिन लोगों ने इस चैनल पे कमेंट करा है, लाइक करा है, या फिर मतलब कुछ भी इस चैनल से रिलेटेड उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है। और साथ में मैं कुछ स्पेशल लोगों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और वो जो लोग हैं, क्योंकि जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था उस समय मैं वीडियोज़ जब पोस्ट करता था तो मैं जून 23 से स्टार्ट करी थी रेगुलर दोबारा लॉन्ग वीडियोज़ पोस्ट करनी, तो उन्होंने कई सारे लोगों को मेरा चैनल रेफ़र करा था, उन्होंने कई लोगों को रोक रोक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाया था, एंड यहाँ तक कि अपनी स्टोरीज पे भी शेयर करा था। और मैंने कभी अपने आज तक कभी स्टोरी पे अपने पर्सनली कभी किसी को शेयर नहीं करा, बट उन्होंने अपनी स्टोरी पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मेरे चैनल को प्रमोट करा था। और मेरे लिए ना वो बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि यार मेरे चैनल को कोई देखने में इंटरेस्टेड होगा, मैंने जो वीडियोज़ बनाए वो क्यों ही देखेगा जब इतने सारे क्रिएटर्स हैं पहले से जो वीडियोज़ बनाते हैं। बट आप लोगों ने भी इतना सारा सपोर्ट दिया, एंड कुछ ऐसे लोग जिन्होंने स्पेशली अपने फैमिली मेम्बर से, अपने जानने वालों से, यहाँ तक कि जो रोड पे उन्हें लोग दिखे थे या जिनसे वो रेगुलर कॉन्टैक्ट करते थे, जैसे दुकान वाले हो गए या यहाँ तक कि गोलगप्पे वालों से भी कुछ लोगों को चैनल सब्सक्राइब करवाया था। एंड हालांकि देखो वो जो चीज़ थी ना वो बहुत छोटी सी थी, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि यार मुझे ऐसा था कि यार जब मैंने स्टार्ट कर रहा था कि कोई तो है मेरे चैनल्स को जो सपोर्ट कर रहा है, कोई तो है जो मुझे देखना चाहता है कि हाँ भाई मैं इस चैनल पे वीडियोस बनाऊं, और सिर्फ एक वही रीज़न था जिसकी वजह से मैं रेगुलर कंटेंट अपडेट कर रहा था। और आज भी जब मैं कंटेंट अपडेट करता हूं तो मुझे यही रहता है कि भाई अगर मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं उन लोगों ने जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग में भरोसा दिलवाया था, जिन्होंने मेरे ऊपर ट्रस्ट करा था कि हाँ भाई मैं कंटेंट क्रिएट करूं, लोग पसंद करेंगे, एंड वो तो करेंगे एटलीस्ट कि वो जो जिन जो स्पेशली वो जो लोग थे जिन्होंने उस समय मेरी मदद करी थी, मेरी हेल्प करी थी। क्योंकि जब मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं रहता है वो भी मेरा कंटेंट देखने वाले हैं, तो मुझे अपने कंटेंट में कुछ भी गलत चीज़ नहीं प्रमोट करनी है, क्वालिटी कंटेंट देना और ऐसा देना कि जिससे आप लोगों का या जो व्यूअर्स हैं उनका फ़ायदा हो। क्योंकि मैं भी कुछ भी ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई आप 2 दिन में पैसा कमाओ, लाखों रुपये कमाओ, क्योंकि ब्लॉगिंग से जो जिस कैटेगरी में मैं काम करता हूँ ना, तो मुझे इतना लिखने में या इतना आपको कन्वेंस करने में समय नहीं लगेगा। बट इन रियलिटी जो मैं सच है, जो मैंने इतने 7-8 साल से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, एंड ये पूरा मैंने जो रेवोल्यूशन है इंटरनेट का कि कैसे डिजिटल इंडिया या 2014 के बाद इंटरनेट इंडिया में आया और कैसे वो इवोल्व हुआ, वो मैंने पूरा देखा है। पूरा मतलब डेली मैं अपने जो दिन के 5-7 घंटे, 8 घंटे, 10-10 घंटे तक भी इंटरनेट पर बिताता हूँ, तो मुझे वो चीज़ें ध्यान में थी कि यार कैसे कैसे ये चीज़ें होती हैं। लेकिन कभी भी मैंने प्रॉपर वीडियोस बना के लोगों तक नहीं पहुंचाई, लेकिन अभी मैं ये कर पा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, आप लोगों की वजह से 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो, आप ही लोग थे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करा और आप ही लोग थे जिन्होंने चैनल को शेयर करा, दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब करवाया, तो आप लोगों का सही में दिल से धन्यवाद। एक यहाँ पर मैं अपनी एक छोटी सी जर्नी और बता देता हूँ। जो मैंने YouTube पे पहली वीडियो पोस्ट करी थी वो 2014 में करी थी, मतलब कि आज से लगभग लगभग 10 साल पहले, क्योंकि आज 2024 चल रहा है। और उस समय जब मैंने वीडियो पोस्ट करी थी ना, मुझे वीडियो एडिटिंग जब भी आती थी, मुझे बेसिक जो इंटरनेट पे चीज़ें होती हैं वो मुझे सब आता था, मुझे सारी चीज़ें पता थी कि एक वीडियो कैसे बनाई जाती है और कैसे यूट्यूब पर डाली जाती है। बट उस समय मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कॉन्टेंट किस पर बनाना है, और हालांकि मैं जब भी कुछ ना कुछ बना देता उल्टा सीधा, लेकिन भाई मुझे खुद नहीं लगा था कि यार मैं कैसे आपको क्वालिटी कंटेंट दे पाऊंगा, क्योंकि जब तक वो चीज़ें मुझे ही नहीं आती, मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं करा, तो मैं वहाँ पर एज अ यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को सिर्फ फालतू का ज्ञान नहीं दे सकता था। तो मैं फ्रीलांसिंग के अंदर 300 वेबसाइट्स तक मैंने बनाई होंगी और मैंने बहुत अलग अलग क्लाइंट्स के साथ काम करा है, कुछ ऐसे जो इस समय इंडस्ट्री में टॉप पे बैठे हुए हैं इंडिया के अंदर, कुछ ऐसे हैं जिनकी कंपनीज बहुत बड़ी हो चुकी हैं, और कुछ ऐसे जो शायद अभी एग्जिस्ट भी नहीं करते, और लेकिन उनके साथ भी मैंने बहुत अच्छा काम करा। और ये पूरी जर्नी में ना मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी मिले, बहुत गंदे एक्सपीरियंस भी मिले, लेकिन ये पूरा जो एक्सपीरियंस था उसकी वजह से मुझे ये चीज़ें समझ में आई। आजकल जो कई सारे लोग बिल्कुल न्यू आ रहे हैं कि डिजिटल एजेंसी, आप SEO करो, आप डिजिटल मार्केटिंग से इतना कमा सकते हो, या आप वेबसाइट बनाओ, ई कॉमर्स के अंदर आओ, ड्रॉप शिपिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, इन सब के अंदर जो भी आपने सुना होगा ना, मतलब मैं इतना बोल सकता हूँ इंटरनेट के ऊपर जो भी ऑनलाइन अर्निंग का आपने नाम सुना होगा उसमें मेरा कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होगा, उसके ऊपर मैंने अपना कहीं ना कहीं समय इन्वेस्ट करा होगा। और जब मैं आज ये जो वीडियो बनाता हूँ ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि उस टॉपिक के ऊपर है, मैं बिल्कुल वो चीज़ें बताता हूँ। अगर कोई मेरा फैमिली मेंबर आके भी मुझसे पूछे ना कि भाई मुझे ये करना है, तो उन्हें जो मैं सलाह दूंगा वही इन वीडियोज़ के अंदर देता हूँ,
इन वीडियोस के अंदर मैं सेम उसी तरीके से बताता हूँ जैसे कि मैं अपने फैमिली मेंबर किसी को बता रहा हूँ, तो जिससे कि मैं क्वालिटी को मेंटेन कर पाऊँ, आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ। आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को उसका बेनिफिट हो, मेरे लिए यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ इस चैनल को लेकर, तो अभी तो मेरा जो कॉन्टेंट पोस्ट करने के जो समय है, मतलब मैं ज़्यादा कॉन्टेंट अभी पोस्ट नहीं कर पाता, हालांकि मैं इन फ्यूचर इसे बिल्कुल इम्प्रूव करूँगा। और मेरे पास इतने सारे टॉपिक है आपके साथ डिस्कस करने के लिए, मतलब मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर ना एक कंपनी को स्टॉक मार्केट पे कैसे रजिस्टर्ड करवा सकते हो, एंड स्पेशली आप ई कॉमर्स या डिजिटल रिलेटेड चीज़ों में जाते हो, तो वो सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। उसमें मेरा कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है, तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड मैं आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। तो मतलब अगर आपको टैक्स से रिलेटेड चाहिए और बिजनेस से रिलेटेड, या इन दोनों का आप कॉम्बिनेशन एक जगह बोल सकते हो, और कुछ जो एआई के टॉपिक्स है, एआई के टूल्स है जो आजकल बिल्कुल न्यू है, उसके रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए होती है, तो मैं उन पे मेरा मेन फोकस होता है, और आने वाले समय में भी मैं उन पे ही ज़्यादा फोकस करूँगा। लेकिन अगर आपको कोई भी टॉपिक लगता है कि भाई उनके ऊपर भी आपको वीडियोस चाहिए, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। और अगर आपको कुछ भी पर्सनल डाउट होता है ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप प्रॉपर मुझे मैसेज लिख के भेजिए और मैं उसे बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। हो सकता है रिप्लाई करना मुझे थोड़ा सा समय लगे, बट लेकिन मैं उसका रिप्लाई बिल्कुल दूंगा, चाहे मुझे थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाए। एंड अगर लेट होता हूँ तो भाई मुझे अभी माफ़ कर देना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिप्लाई नहीं करना चाहता, लेकिन उस चीज़ को प्रॉपरली आपको जवाब देने के लिए वो बस थोड़ा सा वो जो समय रहता है ना, या मैं ये बोल सकता हूँ मेरा जो आलस होता है कि भाई मैं आपको नहीं लिख पाता, बस वो वाली चीज़ें हैं। तो हालांकि मैं उसे भी ठीक करूँगा। अगर आप लोगों में से किसी का ही मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, तो मैं उसको बिल्कुल पूरे दिल से और बिल्कुल सही सही जो मुझे समझ में आता है, जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से जवाब दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, दोबारा से आप लोगों को धन्यवाद कि आपने 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल पे पूरे करवाए, और आशा करता हूँ कि आगे भी आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, धन्यवाद।